इस वीडियो पर मैं एक यूनिक ब्लूटूथ मॉड्यूल का रिव्यू करने वाला हूं, जिसमें इनबिल्ट एम्पलीफायर है और जिसमें से आपको 5+5 वाट के आउटपुट मिलेगा और इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी है। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को आप 3.7 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हैं। साथ में उस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी का पोर्ट भी दिया गया है। एक तरफ से देखा जाए तो ब्लूटूथ मॉड्यूल छोटा है पर बड़ा धमाका होने वाला है। इस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल को मैंने flipkart.com से परचेस किया है और करंटली फ्लिपकार्ट पर इसका प्राइस चल रहा है 335 रुपीज। तो चलिए देखते हैं ब्लूटूथ मॉड्यूल इस प्राइस को जस्टिफाई कर पाता है या फिर नहीं। कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ मेरे को डिलीवर हुआ था। इसके ऊपर एक प्लास्टिक रैपर था जिसको मैंने फेंक दिया है और अभी ये ओनली बबल रैप के अंदर ही पैकिंग होके आया था। तो यही सब कुछ है। इसके अंदर आपको एक ब्लूटूथ मॉड्यूल मिलेगा, 3 वायर मिलेगा कनेक्शन करने के लिए और एक रिमोट मिलेगा। तो अभी हम इस ब्लूटूथ मॉड्यूल का क्लोज लुक देख लेते हैं। आपको पहले एक माइक का पोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, ऑक्स के लिए एक पोर्ट मिल जाएगा, डीसी 5 वोल्ट के लिए एक पोर्ट मिल जाएगा, ऑन ऑफ की स्विच मिल जाएगा, यूएसबी के लिए पोर्ट मिल जाएगा और यहाँ पर आपकी प्ले पॉज नेक्स्ट प्रीवियस और मोड के लिए बटन मिल जाएगा अलग अलग। और अभी इसकी पीछे के साइड से देखें तो यहाँ पर आपको पावर इनपुट करना है। आप इसमें डीसी 3.7 वोल्ट से डीसी 5 वोल्ट तक इनपुट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 2 5 वाट के स्पीकर कनेक्ट करना होगा 2 पोर्ट में। और इसका ब्लूटूथ रिसीवर आईसी है और ये 2 आईसी एम्पलीफायर आईसी है। हर एक आईसी में से आपको 5 वाट का आउटपुट मिलेगा और इसमें इसकी स्पीकर के कनेक्शन करने के लिए 2 कनेक्टर वायर कुछ इस तरीके से मिलेगा और एक सिंगल वायर मिलेगा जिसमें आपको पावर इनपुट करना है और एक रिमोट मिला था जो कि डिसेंट क्वालिटी का रिमोट है। ये मेरे पास 2 5 वाट के स्पीकर हैं, तो इन पर मैंने इन वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है और अभी मैं इसको इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के आउटपुट में कनेक्ट कर लूँगा। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को चलाने के लिए मैं यहाँ पर 5 वोल्ट 0.7 एम्पीयर का एक मोबाइल चार्जर यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास 3.7 वोल्ट की बैटरी नहीं है। आप चाहे तो इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को कोई भी 3.7 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं। तो अभी हमने इस पर पावर इनपुट कर दिया है और यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का स्विच मिलेगा, तो इसको आपको ऑन करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ब्लू कलर की लाइट जल रहा है। अगर आप इस ब्लूटूथ मॉड्यूल की पीछे के साइड में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो आप इस माइक्रो यूएसबी पोर्ट से उस बैटरी को डायरेक्टली यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। मैंने पीछे वाले पोर्ट में चार्जर लगाया था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर खोल दिया था, पर अगर आप यहाँ पर बैटरी लगाते हैं तो आराम से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। सामने वाले माइक्रो यूएसबी पोर्ट में जब आप चार्जर कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक लाल कलर की लाइट ग्लो कर रहा है। और अभी मैं इसके पीछे वाले पोर्ट में फिर से पावर सप्लाई कनेक्ट कर लूँगा और इसका साउंड टेस्टिंग करूँगा, तो इसलिए आप हेडफोन जरूर से यूज़ करना जिससे कि आपको साउंड का आइडिया लग पाए। इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में माइक्रोफोन का पोर्ट भी मिल जाता है और साथ में कैरियो के फीचर के साथ भी आता है और साथ में इसमें इको भी मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें सॉन्ग्स प्ले करते हुए हम इसके माइक्रोफोन में आवाज़ सुन पाते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर विदाउट सॉन्ग्स प्ले करते हुए माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहे हैं, साथ में सॉन्ग्स प्ले करते हुए भी माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहा है, साथ में इको भी हो रहा है, यानी कैरियोके के फीचर अच्छे से काम कर रहा है। अभी हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को हमें लेना चाहिए या फिर नहीं। जैसे इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक उसी तरीके से इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। पहली डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो आपको इसमें कम से कम 2 एम्पीयर की पावर सप्लाई यूज करना होगा। मैंने यहाँ पर 0.7 एम्पीयर की पावर सप्लाई यूज किया था तो इससे यह बोर्ड अच्छी तरीके से ऑन नहीं हो पा रहा था, तो मजबूरन यहाँ पर मेरे को एक स्पीकर हटाना पड़ा, उसके बाद जाके बोर्ड ऑन हुआ। Bluetooth mode.
तो अगर आप यहाँ पर बैटरी यूज करते हो तो बहुत ही जल्दी आपकी बैटरी खत्म हो जाएगा। और दूसरी डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो इसमें कोई भी डिस्प्ले वगैरह नहीं है। वैसे इसको डिसएडवांटेजेस नहीं कहूंगा क्योंकि जिस भी प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल हो रहा है बहुत सारे फीचर के साथ आ रहा है तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। बस यही दो डिसएडवांटेजेस मेरे को इस बोर्ड में लगा और कोई डिसएडवांटेजेस तो मेरे को दिखा नहीं। साउंड क्वालिटी इसका ठीक ठाक है, 5 वाट की स्पीकर के लिए बहुत ही बढ़िया है, तो आप इस बोर्ड को कंसिडर कर सकते हो अगर आपको यही फीचर चाहिए और डिस्प्ले की कोई भी जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर सकते हो, वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। नेक्स्ट हमें कौन से एम्पलीफायर को रिव्यू करना चाहिए या फिर आपको इस ब्लूटूथ मॉडल के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको 100+100 वाट में क्लास डी एम्पलीफायर चाहिए जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो, जिसको आप कार में भी यूज कर पाओ एज वेल एज आप घर में भी यूज कर पाओ, तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। और इस राइट वाले वीडियो को क्लिक करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इतना छोटा एम्पलीफायर पहले नहीं देखा होगा जो कि 50+50 वाट के आउटपुट निकल सकता है। मैं आपसे फिर से मिलता हूं एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।